हेलो एंड वेलकम दोस्तों। साउथ के सुपर हीरोज़ के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन आज बात करेंगे साउथ के एक ऐसे सुपर हीरो की जिसने ना केवल इंडिया का नाम दुनिया में रोशन किया, लेकिन कई सारे लोगों की जिंदगियां बदल दी। 18,000 करोड़ के नेटवर्थ वाले इस इंसान का नाम है श्रीधर वेम्बू। श्रीधर वेम्बू है फाउंडर जोहो कॉरपोरेशन के। इनका सपना है इंडिया के हर गाँव को टेक हब बनाने का। इन्होंने पहले IIT मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और उसके बाद प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से MS और PhD की। सैन डियागो कैलिफोर्निया में क्वालकॉम नाम की कंपनी में इन्होंने एक इंजीनियर के तौर पर अपना पहला जॉब पाया। यहीं पर काम करने के दौरान उन्हें रियलाइज हुआ कि कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पर इंडियन इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडिया सॉफ्टवेयर के मामले में इतना पीछे क्यों है। 1996 में उन्होंने अपने दो भाइयों के साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था एडवेंट नेट, जो 2009 में जाकर जोहो कॉरपोरेशन बन गई। 1996 में शुरू किए हुए इस स्टार्टअप की वैल्यू आज 36,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अब आप पूछेंगे कि ऐसी ग्रोथ तो कई सारे स्टार्टअप्स ने दिखाई होगी, आखिर इनमें ऐसी क्या खास बात है? इसका जवाब है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी जो हर बार बाहर निकल के आती है वो है स्किल्स और एजुकेशन की गैप। जिन चीज़ों की इंडस्ट्री को ज़रूरत है वो चीज़ें कॉलेज में सिखाई नहीं जाती। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जोहो के टीम ने एक बहुत ही अच्छे आइडिया का इस्तेमाल किया। इस रेवोल्यूशनरी आइडिया का नाम था जोहो यूनिवर्सिटी। क्या अगर मैं आपसे कहूं कि कॉलेज जाने के लिए अब आपको फीस या पैसे देने नहीं पड़ेंगे, बल्कि कॉलेज जाने के लिए आपको पैसे मिलेंगे? कुछ भी। इनका 2 साल का कोर्स होता है जिसमें स्टूडेंट्स को तकरीबन 10,000 रुपए हर महीने मिलते हैं मैथ्स और प्रोग्रामिंग जैसे कई सारे सब्जेक्ट सीखने के लिए। इस कोर्स के बाद इन्हें जोहो कॉरपोरेशन में जॉब मिलती है, फिर चाहे उनके पास कोई भी डिग्री क्यों ना हो। दोस्तों, गांव में जहां पर कई बार एजुकेशन मिलना पॉसिबल नहीं होता, वहां पर इन बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। चांसेस हैं कि जो कहानी मैं अब आपको सुनाने वाला हूं, वो शायद आपने पहले सुनी होगी, और अगर आपने नहीं सुनी है तो चौंकने के लिए तैयार हो जाइए। इस लड़के का नाम है अब्दुल आलिम। ये पहले जोहो में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। एक दिन जोहो में काम करने वाले एक सीनियर ने अब्दुल को ट्रेनिंग देने का डिसाइड किया। कुछ महीने बाद यानी कि आज अब्दुल जोहो में एक इंजीनियर के तौर पे काम करता है और टेक्निकल प्रोजेक्ट्स मैनेज करता है। तकरीबन 10% लोग जो जोहो में काम करते हैं वो अब्दुल आलिम जैसे हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने स्किल्स डेवलप किए हैं और आज टेक्निकल प्रोजेक्ट्स मैनेज करते हैं। जोहो में काम करने वाले 15% लोगों के पास कोई भी कॉलेज डिग्री नहीं है। दोस्तों, जोहो जैसी इतनी बड़ी कंपनी के CEO का ऑफिस तो USA में किसी बड़े बिल्डिंग में होना चाहिए, राइट? वेल, हकीकत कुछ और है। श्रीधर जी रहते हैं तमिलनाडु के एक गांव में जिसका नाम है माथलमपराई, और इस गांव से वो 36,000 करोड़ की एक कंपनी चलाते हैं। दोस्तों, ये बिजनेस मॉडल इसीलिए इतना यूनिक बन जाता है क्योंकि कंपनी के ग्रोथ के साथ इंडिया के गाँव भी ग्रो हो रहे हैं, और जहां पर गांवों में लोगों को कई बार एजुकेशन नहीं मिलता, वहां पर आज एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। आपके एक छोटे से क्लिक से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए इस अमेजिंग स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको भी हमारे तरह इन टॉपिक्स पे बात करना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाते रहते हैं। मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।